सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मेरी यहाँ पर चल रही है साफ़ सफाई क्लीनिंग। ये मैंने कॉम वॉम निकाला, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल साफ़ की थी, देखिए यहाँ ड्रेसिंग टेबल को मैंने क्लीन किया था, तो मैंने यहाँ पर कॉम वॉम ये सब चेंज वेंज किया है। और मेरी माँ देखिए कैसी अच्छे से बैठी हैं। क्या कर रही हो? निन्नू आ रही है, खाना खाओगी? खाना खा लिया? और धूप देखिए, मैं आपको धूप दिखाती हूँ। धूप सो गाइस, देखिए धूप देखिए कितनी तेज़ वाली धूप निकली हुई है। और मेरे घर से हमारी बैल बजी है, कॉम निकाल के फेंका है मैंने। ये चंदा आ गई है लगता, देख के आती हूँ पहले। कौन आया है? चौकीदार का बेटा है। सो गाइस, अभी हमारे साथ एक पोपट हो गया। पोपट मतलब ये हुआ कि पहले पानी बंद कर देती हूँ। पोपट ये हुआ है कि आज अभी 11 बजे से, सुबह 11 बजे से लेके और रात के 8:30 बजे तक लाइट बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी, आज चंदा भी नहीं आई झाड़ू पोछे वाली, तो फिर मैंने अभी जल्दी जल्दी झाड़ू की, किचन पूरा साफ क्लीन, पहले किचन क्लीन करा था। उसके बाद मुझे पता चला कि किचन जैसे ही मैं मतलब साफ़ कर रही थी, बर्तन वैसे ही पड़े हुए, तो फिर जल्दी जल्दी बर्तन धोए, किचन क्लीन किया और रोटी बनाई, फिर मैं नहाई, झाड़ू भी लगाई, फिर मैं नहाई। उसके बाद में कपड़े धोए इतने सारे मैंने जल्दी जल्दी, और अभी 11 बज रहे हैं और 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया। 10 बजे मुझे पता चला, अनाउंसमेंट हो रही थी कि 11 बजे से। और यहाँ पर मैं अपना पराठा बना रही हूँ, पराठा रखा हुआ है मेरा। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, फिलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता किया ही नहीं। मैंने कहा रोटी बना लूँगी फिर कर लूँगी उसके बाद में। अभी माँ कैसी बैठी हुई है, क्या हुआ? उन्हें कुछ खाने का चाहिए होता है। तो मेरा पराठा तो रेडी हो गया है, बस पराठा प्लेट से ला। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ सलवा को लेने स्कूल। और देखिए माँ देखिए हमारी कैसी पागल हो रखी है। मैं रूम में जा रही हूँ, इधर रूम में जा रही हूँ, इधर रूम में जा रही हूँ, इधर रूम में जा रही, सब जगह अपनी जा घूमती फिर रही हैं। मतलब कहाँ जा रही है? मास्क लगा के, शूज़ पहन के। तो मैं भी मास्क लगा के और शूज़ पहन के रेडी हो गई, कपड़े वही घर वाले आपने पहने हुए, जल्दी जल्दी नहा ली थी उस टाइम पे, क्योंकि लाइट नहीं आ, लाइट मतलब अब नहीं आएगी, अभी नहीं आ रही है। 11 बजे बोला, 11:30 बजे से कट किए। अब देखें सप्लाई कब तक लाइट की बंद रहती है, ऑफ रहती है, देखते हैं। अम्मा देखिए मुझे कितने गौर से देख रही है, आपको दिखाती हूँ। क्या हुआ? आओ आ जाओ। तो मैं अभी फ़िलहाल सलवा को लेने जा रही हूँ, सलवा को लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे। तो गाइस अभी सलवा आ गई हूँ, देखिए माँ से खेल रही है। माँ तुम्हें गाल नोच रही है, तुम भी नोचे क्या गाल? माँ जब नोचेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें, ठीक है? माँ के माँ करो तो बाल इनके नोचे, तो इनके बाल भी उनके गाल भी। तुम भी रोती, वो भी रोती है। अभी तक हसन नहीं आया, हसन आ जाए स्कूल से और फटाफट से फिर क्यों कर दिया उसका ऐसे? तुम्हारा भी ऐसे ही कर दूंगी मैं। ओ शहजादा आ गया, गुड्डू आ गया, मेरे गुड्डू आ गया, मेरे शहजादा आ गया। How's your school? Baby, बाल बना के आ रहे थे क्या वहाँ से भी? ओफ वो थी बाल। चलो खाना खाइए, चलिए। हेलो, चलिए जल्दी, come on। नो कह रहे हो? माऊ कहाँ चली गई? इधर हिजाबी, कभी माऊ पहनती कभी तुम पहनो इसे। धो के लाई हूँ मैं अभी कपड़ों में से, नहीं जा भी गल आ जाएगी पहनेगी फिर, धोके डाले हैं सारे कपड़े। सो गाइस देखिए यहाँ पर हसन काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये सही से क्या कट कर रहे हो? आओ के बताओ तो। तो हसन यहाँ पर कट कर रहे हैं, बहुत बताओ ना बोल। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पनीर। बनाएंगे तो वैसे भी थंबनेल से वैसे ही पता चल जाएगा। तो अभी मैंने बनाने जा रही पनीर काठी रोल, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट।
अभी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए, तो फिर आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ, रेसिपी दूंगी आपको मैं इसमें। तो अभी हसन अभी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रहे हैं और सलवा सो रही, सलवा होती तो सलवा कट करती, तो हसन कट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो अपनी बॉटल छोड़ी आई, बता नहीं रही थी स्कूल में छोड़ के आई, क्यों मुझे क्या पता कहाँ चली गई। हाँ घर में ही होगी कहीं, हाँ क्या मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता है मुझे कहाँ चली गई। सुबह बॉटल मैंने की नहीं दिख रही है, कल भी नहीं दिखी, सैटरडे दिखी नहीं बॉटल मेरे हाथ मिल गई, वो क्या वो रखी हुई है, वो क्या धो के पीछे रखी, फिर मैंने कहा चलो पुरानी लेके जाओ, क्या नहीं मुझे पानी नहीं पीना, मुझे प्यास ही नहीं लगती है। मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती, क्या मैं पानी पीती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता पानी पीने का। अच्छा अच्छा बोतल बन गया पूरी खाली लेके आती हूँ तब टाइम नहीं मिलता है, आज बोतल बन गया नहीं है तो तुम्हें प्यास ही नहीं लग रही, मुझे प्यास ही नहीं लगती। नहीं 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 उसको ऐसे काटो, ऐसे कट करो ऐसे, दो आप मत काटो, आप मजे ले रही हो। मजे नहीं ले रही हूँ, काम करना पड़ता है। अब ये मैदा का पैकेट है और मैं मैदा इसमें डालूंगी, राजधानी मैदा, ऐड भी दे दिया मैंने, एडवर्टीजमेंट भी हो गया इनका, राजधानी मैदा का बेसन भी अच्छा होता है इनका। अब मैदा जो है मैं अभी गूंध लूँगी पराठे के लिए, रोल के लिए। सो गाइज अभी मैं बनाने जा रही हूँ पनीर काठी रोल, जिसके लिए मैंने ये सब रेडी कर लिया है, सब इंग्रेडिएंट्स अभी मैं मैश करूँगी। तो पहले मैं इस सो गाइज तो मैंने अभी बनाने जा रही हूँ सॉस पनीर के लिए, तो मैंने इसके लिया है मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्च और लहसुन, और इसमें मैं डालूँगी अभी दही, जिसमें मैं मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा दही, मैं ऐड करूँगी मैं ज़ीरा, इसका जो है फाइन पेस्ट बना लूँगी। देखिए ये फाइन पेस्ट बन के रेडी हो गया है, तो अभी मैं इसको ऐसे ढक, हाँ मैंने बना लिया है मैदे का डो, अब इसके बाद मैं इसके गोल गोल पेड़े बनाऊँगी। सो गाइस ये है दही, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक से मैश कर लूँगी, और इसमें मैं मिलाऊँगी ये सारा मसाला जो मैंने रखा था, इसमें थी मिर्च धनिया नमक गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च, और ये मैं सारा गरम मसाला मिला दूँगी, इसमें मैं मिलाऊँगी मिक्स कर दूँगी ये पूरा पनीर, ये पनीर मिक्स करूँगी मैं अच्छे से, इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाल दिया ये, और देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना। और अभी हम रखेंगे फ्राई पैन गैस पर, और उसमें डालेंगे ऑयल थोड़ा सा, तो अभी हम ऑयल डाल लें, तो अभी लिया है मैंने इसके लिए यहाँ पर गार्लिक और यहाँ पर लिया हरी मिर्च कटी हुई, तो ये दोनों चीज़ें मैं मिला के इसमें डाल दूँगी। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें सारा, तो मैंने यहाँ सारा ये जो तैयार किया था पूरा, तो वो मैंने ये सब डाल दिया इसके अंदर, तो अभी इसके पानी को सूखने देते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये मैदे के बना के रखे हैं, तो मैं अभी इसे डूबो जल्दी से इसके पराठे बना लेती हूँ, लच्छे पराठे, तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी गाइस ये देखिए इसका पानी सूख गया है बहुत अच्छे से, अब मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च, और इसमें मैंने चॉप की हुई अनियन डालूँगी, तो सारी अनियन डाल दूँगी, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बस थोड़ी देर सौटे करना है इसको, और फिर निकाल लेना है इसको, ठीक है। तो अभी ये मेरा रेडी हो गया है पनीर स्टफ़, तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठा मैंने बेला है, तो अभी आप देखिएगा, और पनीर इस पर तो मेरा रेडी हो गया है, तो अभी बाद में करती हूँ पहले से निकाल लेती। तो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर पराठा, लच्छा पराठा, यस। अब मैं उठाऊँ कैसे, हाथ से? नो हाथ मेरा नहीं चले, क्योंकि ये चिपक रहा है इसीलिए मैंने इसे। लच्छा पराठा फेल तो नहीं होगा आपका? नो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, देखिए
आप देखते जाइए, तेल का बहुत इस्तेमाल करती हैं। ये देखिए छल्ला पराठा, छल्ला पराठा बना दिया है। छल्ला पराठा है फिर कौन सा, मच्छा है? मच्छा बनो कम, सारे टेस्ट तुम ही जानते हो। अरे मैं ये जो बीच में गोल गोल सा आता नहीं है, है मेरा बहुत ही अच्छा, मगर ये लच्छा ही है बेटा। मैं देखा लच्छा टक, देखो ये गोल गोल आ रहा है। मैं देखा है। हाँ ऐसी होता है, ऐसी वहां पर भी होता है, सेम ऐसी आता है मैं। चलो तो सो गाइस हमारा लच्छा पराठा हो गया रेडी, ये देखिए। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए, तो पहले मैं इसमें डालूंगी ये वाली चटनी। सो मैं ये वाली चटनी कम कम लगाऊं ज्यादा डालूं? अरे बस थोड़ी ज्यादा, मतलब थोड़ी ज्यादा मैं कह, थोड़ी कम लगाइए। मैं डालूंगी, ये बनाया था मैंने, पूरा बैटर रेडी किया था वो। ओहो पनीर कितना डालना ही है, मजा याद आएगा है। बस 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 फिर ज्यादा रुके नहीं तो। और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें मायनीज, मायनीज को थोड़ा सा सही से डालो, बस बस ज्यादा नहीं। नहीं ज्यादा ही डलेगी अम्मा मेरे में तो। अच्छा तुम्हें खानी, बस करो मायनीज एंड देन। और जरा थोड़ी सी और, एंड देन लच्छा पराठा इज रेडी टू ईट। लच्छा पराठा पनीर रोल, वो काठी पनीर रोल इज रेडी टू ईट। सो हसन खाएंगे और फिर मुझे बताएंगे। सॉस है? सॉस हाँ सॉस भी है। पहले ये खाओ, पहले ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाने का होता है। प्लेट में रखो, बैठ के खाओ, बैठ के खाते हैं। प्लेट में रखो, एक प्लेट में मैंने बहुत मेहनत की है इस पे। अपना करना हाँ, तुम्हारा बना देंगे। कैसा हुआ? बहुत अच्छा है। सही बताओ बिल्कुल। बहुत अच्छा, जरूर जरूर। तो आप सब लोग जरूर बनाइए, बहुत अच्छा पनीर काठी रोल है ये, बहुत ही टेस्टी है। और इसके सॉस के साथ, ग्रीन सॉस के साथ आप खा भी सकते हैं। तो सलवा बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए, उनका बना नहीं है तो उनको बना देती हूँ मैं। तो सलवा अब तुम रिव्यू बताओ, आसान ने तो बता दिया कैसा है, रिव्यू दे रही है टॉप। सलवा का मुंह ही छोटा है, नीचे से गिर रही है, नीचे से फिलिंग। कोई बात नहीं, फिलिंग गिरने दो, गिर भी तो सही रही है। चलो बताओ, थैंक यू सो मच। कैसा है? सच में बहुत अच्छा है हसन को, वाकई में बहुत अच्छा लगा। आप लोग जरूर ट्राई करिए प्लीज। तो अभी मैं बहुत सारे बना देती हूँ बच्चों को, बच्चे खा लें। जरा एक दो और बना देती हूँ। आओ आओ खाना खा लो, आओ आओ। मुंह लाल हो गया उसका बेचारी का, डर गई बहुत। आज जल्दी आ जाओ, आओ खाना खा लो, आज जल्दी जल्दी आओ। जितनी जितनी मारे ने पड़े उतनी उन्हें पड़ गई, कहीं नहीं पले का खाने का। जा उसका लेके आओ, सलवा बोल लेके आओ, खाना लेके आओ। आ माऊ आओ, इतनी तेज मार रही थी, बोलिए लेटी हुई थी, लेकिन ये बराबर से लड़ रही थी, बाल में उछली इसकी। कुत्ता नहीं चढ़ पा, डॉगी नहीं चढ़ पाता, डॉगी नहीं चढ़ पाएगा पर पंजा तो मार लेगा, नहीं चढ़ पाता। सलवा ने उठा के इतनी तेज ऐसे करके उठाया बिल्ली को, उस वाली को ऐसे करके फेंका, इसके पीछे भाग रही थी अंदर घर में भी। हाँ ऐसे करके फेंका उधर की तरफ को, धीरे से मगर फेंका नहीं ज्यादा। मैंने एक चप्पल तो हल्के से लगाई मैंने, इसलिए बिल्ली है इसलिए नहीं मारा मैंने। आओ आम आऊ खाना खिलाऊ, आम आऊ ग्रेवी दूंगी, आओ आम आऊ ग्रेवी दूंगी, जल्दी आओ। इतने ऊपर हाँ, वो बड़ा है बहुत बहुत ही बड़ा, वो अलग है, पर्शियन नहीं अलग है कुछ।
अलग ब्रीड है उसकी, मैंने उसको ना देसी टाइप में है, मिक्स है वो। हाँ वो मिक्स है, उसका मुंह अलग ही है, पर्शियन वर्शियन नहीं है वो, देसी जैसा लगता कुछ। वो बहुत ही भारी था मम्मा, मैंने उसको पकड़ा ना तब मुझे पता चला वो कितना भारी है, उसके बाद बहुत कम है और भारी बहुत है वो। बच गया ये को, देखिए सलवा अपने माऊ को प्यार कर रही, लाड़ प्यार हो रहा माऊ का, क्योंकि आज सलवा की माऊ जो है मरते मरते बच गई हैं, मर जाती है आज डर के मारे मर जाती। और सलवा की सबसे ज्यादा वो है दिल के करीब। सलवा ने उस वाली बिल्ली को ऐसा फेंका है पकड़ के, सलवा ने उठाया उसे खींचा, उस टाइम वीडियो बनाने का नहीं था मैं, क्योंकि मैं हटा रही थी उसको, अब मुझे डर लग रहा था। हसन तक तो इतने डर रहे थे, मैं जब भी पास में थी सलवा ने, मगर सलवा वाकई बहुत ब्रेव बन गई अपनी माओ के लिए। सलवा ने ऐसा पकड़ा दोनों हाथों से और यूं फेंक दिया, भारी तो बहुत थी। हाँ लेकिन उस टाइम ऐसा लगा तुमने हल्के से किसी को फेंका, बहुत बड़ा था वो, बहुत ही बड़ा था। वो माँ के पीछे पीछे माँ भाग रही थी उधर, तो वो ना माँ के पीछे जा रहा था। मैं कह रही हूँ आपको पकड़ तो रहा नहीं है, मैं अब मुझे लगता रहा था डर मुझे काट ना ले, ऐसे काट ले क्या पता कुछ हो जाए, तो मैंने पीछे से पकड़ा और पूछ से पकड़ के माँ और बाहर फेंका इन्होंने बैल्कनी की तरफ से आ गया था। माँ भाग गई, माँ तो जाती है घूमने बैल्कनी में, क्योंकि उसे वॉशरूम भी करना होता है वहां पर, और थोड़ा सा मुझे देखती भी है, फिर थोड़ी देर बैठ के वहां पर थोड़ा मूड भी चेंज हो जाता है उसका वहां जाके। आज डर के मरती या कट के मरती, काट नहीं पाया वो सही से, काटने की कोशिश बहुत करी माँ, अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रही थी। दिखाओ ना सलवा, हाँ ये है और एक ये इधर इधर को दिखाओ, इधर मतलब इनके बाल नोचे थोड़े, मैंने बालकनी में देखा उसके बाल नहीं थे तभी तो पकड़ में नहीं आ रही थी इसकी, बहुत नोचने की कोशिश कर रहा था वो, बची गई कुछ बालों की वजह से, बची के बगैर बालों की वजह से बची। इधर भी चोट लगाई है इसके, इधर नहीं उस टाइम लग रहा था गीला लगा हुआ था, इससे मुंह से काटा था यहाँ पर। नहीं माँ माँ से ब्रेव बॉय, बची गया भाई, अल्लाह ने बचाया माँ तुम्हें, अल्लाह जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, ऊपर वाला होता है ऊपर। माँ अब उधर जाके बैठी, मम्मा यार वहाँ जाके बैठी, जब से लूडो मैच तक नहीं हुआ किसी के साथ, अब्बा को बुलाओ अपने लूडो मैच खेलने। तो हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो चैनल साथ मिलते चलनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बाय, टेक केयर।